दोस्तों आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर आने के लिए। तो दोस्तों मैं तो बहुत अच्छा हूँ एंड आई होप यू विल बी आल्सो फाइन। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारा ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे इसी वीडियो को आप एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करने। दोस्तों मैं अभी शंखवा विलेज के अंदर नहीं गया हूँ, अभी मैं जस्ट हाईवे से नीचे उतरा हूँ और मैं आगे की तरफ अभी जा रहा हूँ। और रास्ते में दोस्तों मुझे एक बहुत अच्छा सा एक ब्रिज मिला है। ये गांव का ब्रिज है दोस्तों, आप देख सकते हो ये। और अभी इसमें पानी नहीं है, अगर आप बारिश के टाइम में आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सा मतलब पानी का जो फ्लो है, बहुत अच्छा सुंदर सा व्यू यहाँ देखने को मिलेगा। तो अभी बारिश का टाइम है नहीं, तो अभी ये सूखा सूखा सा लग रहा है। वो जो आप देख रहे हो ये, यही है टकमक फोर्ट, तो हमें यहीं पे जाना है। तो दोस्तों आप मैं बैक साइड में देख सकते हो, मैं विलेज के अंदर घुस गया हूँ और आगे की तरफ है टकमक फोर्ट। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द ही पहुंचने वाला हूँ टकमक फोर्ट की तरफ। आप देख सकते हो फोर्ट के साइड में एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में और मेरे चारों तरफ देख सकते हो, यहाँ से जंगल जैसा एरिया, जंगली एरिया शुरू हो जाता है। और आप हमारे साथ बने रहे, हम चल रहे हैं आगे की तरफ। जगह काफ़ी घना और सुनसान सा लग रहा है। चाची टकमक यही रास्ता जाती है। धन्यवाद चाची। और दोस्तों ये जो रास्ता है, देखिए यहाँ पे ये लीक बना हुआ है, लीड बना हुआ है यहाँ पे, इसी लीड के माध्यम से हम आगे की तरफ जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा झोपड़पट्टी है यहाँ पर। हमें रास्ते में इस तरह के बहुत सारे झोपड़पट्टी मिलते रहेंगे, यहाँ पे लोग रहते हैं। रास्ते में ये जो पत्थरे दिख रहे हैं, इस तरह के पत्थरे बहुत नज़र आई, इस तरह के पत्थरे और भी आगे भी आने वाली है। मैंने यहाँ के कुछ लोगों से पूछा कि ऊंचाई तक पहुँचने में लगभग कितना टाइम जाएगा, तो उन्होंने बताया कम से कम 20 से 25 मिनट जाएगा। दोस्तों मैं शंखवार विलेज से टकमक फोर्ट के लिए जा रहा था, तो उसी रास्ते में ये नदी आती है, देख सकते हो ये नदी उधर से आ रही है और इधर दूर तक गई हुई है, लेकिन अपने को पता नहीं है। मैं तो इधर पहली बार आया हूँ ना, तो ये बहुत अच्छा सा मुझे यहाँ पे ये व्यू मिला, तो मैं सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा ये लोकेशन है। पानी ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल है। और ये पानी साफ है, अगर आपको प्यास लगी हो तो ये पानी पी भी सकते हो, इतना साफ है। और यहाँ के जो छोटी छोटी नदियाँ होती है ना, उसमें आपको कचरा देखने को नहीं मिलेगा, एकदम साफ सुथरा पानी है। मैं पानी का बोतल लाया हूँ, मैं दिखा देता हूँ, मेरे बैग में है, ये मेरा बैग है। मैं इसी बैग में अपने खाने का सामान और पानी का बोतल वगैरह सब लेके घूमता रहता हूँ। ये देखो ये है पानी का बोतल, मैं पानी का बोतल लेके निकला हूँ। और ज़रूरत पड़ी तो रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा दुकान, तो खरीद लूँगा। फिलहाल अपने लिए इतना काफ़ी है। दोस्तों टकमक आते समय रास्ते में आपको एक कुआं भी मिलेगा, ये देखिए एक कुआं है और कुएं के पास एक घर है, देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे
ये फाटक लगा के रखा है, तो बिना परमिशन के मुझे कुएं के पास नहीं जाना चाहिए। हम अपने रास्ते चलते हैं इधर। और चाचा कैसे हैं आप? टकमा के लिए यही रास्ता है ना? ये सीधा जाएगी ना? तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ से इस जगह से हमारी जो है ट्रैकिंग शुरू होती है, यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी पहाड़ी के लिए। दोस्तों पिछले मैं आधे घंटे से चल रहा हूँ पैदल, शंखवार विलेज से दुर्ग के जो है स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए। तो मैं फाइनली स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच चुका हूँ, अब आगे की चढ़ाई हमें करनी है। तो हमारे साथ आप बने रहिए, बड़ा ही रोचक हमारी ये जर्नी होने वाली है। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो कितना घना जंगल है बैक साइड में, और इधर आसपास अराउंड आप हर तरफ देख सकते हैं एक बड़ा ही घना जंगल है। और घना के साथ साथ सुनसान भी है, यहाँ पे लोगों का जो है आवागमन बहुत कम होता है। जो टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए, बस आप ज़्यादातर वही लोग दिखाई देंगे, और कहीं कहीं पे यहाँ के लोकल्स लोग नज़र आते हैं। दोस्तों मैं पिछले एक घंटे से नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, यानी कि शंखवार विलेज से और यहाँ तक की जो है क्लाइंब मैं नॉन स्टॉप ही कर रहा हूँ, और ये मेरा पहला रेस्ट पॉइंट है। आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में ये भारी भरकम एक पेड़ है, मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। लगभग मैं यहाँ पे आधे घंटे रेस्ट करने वाला हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे की क्लाइंबिंग शुरू करूँगा। क्योंकि जब क्लाइंब करता हूँ तो क्या होता है ना कि बहुत गर्मी होती है और पसीने पसीने, मतलब बीच बीच में मैं रुमाल से चेहरे को पोंछते रहता हूँ, काफ़ी पसीने आ जाती है, और काफ़ी तेज़ धूप भी है, तो बीच बीच में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमारी जो जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एडवेंचरस होने वाली है। आप देख सकते हो इस तरफ एक खाई है, खाई यहाँ से पूरी की पूरी खाई लग रही है देखने में, देख सकते हो आप। और ऊपर ये पहाड़ है, आप ऊपर क्लाइंब करके जा सकते हो अगर जाना चाहोगे तो। मैं उस तरफ से आया हूँ और आपको दिखा दूं, मैं इस तरफ जाऊंगा, अभी काफ़ी लंबी जो है क्लाइंब करनी है मेरे को, तो हमेशा तो आप बने रहिए। दोस्तों आप एंजॉय कर सकते हो प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे को, आप देख सकते हो कितना सुंदर, कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। तो मेरे दोस्त आप देख सकते हो ये जंगल काफ़ी घना और सुनसान है, आपको इस जंगल में सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इंसान के रूप में यानी कि टूरिस्ट लोग ही आते हैं, बाकी के लोग नहीं आते हैं। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, ये टोटली सेफ है। दोस्तों ये जो दिख रहा है ये साइन बोर्ड, यहाँ ये एरो बना हुआ है, यानी कि हम इस तरफ जाएंगे, ये एरो काफ़ी टाइम के बाद मुझे मिला। ये जो स्टोन है ये हर जगह मिलती है, और बच बच के चलना पड़ता है, नहीं तो चोट लग सकती है। आप देख सकते हो ये है हमारा ऊपर का हिस्सा और ये है नीचे का हिस्सा। कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी का जो है डिसेंडिंग मोड हमारे हिसाब से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो ये ऐसे है कर्व 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये जो है चढ़ाई, ये जो क्लाइंबिंग है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। भाई सच बोलो तो मैं बहुत थक गया हूँ, पिछले 2 घंटे से चल रहा हूँ, बीच में 2 बार रेस्ट किया हूँ, अब चला नहीं जा रहा है, तो मैं सोचा यहाँ पे थोड़ा रुक के रेस्ट कर लूँ। अभी देख सकते हो आप, ये दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ, ये पेड़ पौधे से पूरी तरह से कवर है ये, लेकिन व्यू बहुत ही अच्छा व्यू है।
मैं अभी अभी 60 डिग्री का जो क्लाइंबिंग कवर किया हूँ, सच में भाई बहुत थक गया हूँ। और ये क्या बोलूँ, अभी ये ख़त्म हुआ नहीं है, ये अभी कंटिन्यू है। हमारा जो डिसेंडिंग है ये अभी कंटिन्यू चल ही रहा है, आप देख सकते हो। काफ़ी डिफिकल्ट रास्ता है और ये पत्थर है, नुकीले नुकीले पत्थर है, तो संभल के चलना पड़ता है। इतना ऊपर चढ़ने के बाद थोड़ा सा ऊपर से नीचे का व्यू कुछ इस तरह से लग रहा है, लेकिन नीचे का व्यू दिख नहीं रहा है। इस पहाड़ से दूसरी पहाड़ का जो व्यू है वो दिख रहा है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, मराठी समझ में नहीं आता है, प्लास्टिक कचरा टाकू नका। इतना तो समझ में आ गया कि मतलब प्रॉपर पढ़ना नहीं आता, लेकिन ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना। जैसे कि पीने के लिए जब पानी हम लेके आते बॉटल में, तो वो पानी पी के बॉटल को जहाँ तहाँ फेंकना नहीं चाहिए। दोस्तों ये जो जगह है ना, टूरिस्ट प्लेस है, और हम जो है हम लोग जो है एज ए टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, कहीं मतलब यहाँ नहीं, इसके अलावा किसी भी जगह पर घूमने जाते हैं, हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए। जैसे कि पानी का बॉटल लेकर आए पीने के लिए, पानी पी लिए और कहीं फेंक दिए, या फिर चिप्स वगैरह से या कुछ भी खाने का चीज़ पैकेट वाले चीज़ों लेके आए खाए फेंक दिए, तो इस तरह से हमें कचरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। हम तो आए अपना विजिटिंग करके चले गए, हमारे बाद भी कोई ना कोई आएगा, तो इसलिए हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम इस जगह को साफ सुथरा रखें। तो दोस्तों आप लोगों से मुझे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कचरा इधर उधर ना फेंकें। आप जैसे लेके आते हैं प्लास्टिक वाली कोई चीज़ें या फिर पानी का बोतल, तो प्लीज़ अपने बैग में लेके जाए और जहाँ कहीं डस्टबिन मिले वहाँ आप फेंक दीजिए, बात ख़त्म। सो गाइस, मुझे लगता है आई थिंक हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, किसी का नाम है, समझ में नहीं आ रहा है, खैर रहने दो इसको। दोस्तों फाइनली मुझे ये पानी का बड़ा सा वाटर टैंक मिला है, आप देख सकते हो। और इस पे ये कुछ है पर्दे वगैरह सब, ताकि कोई चीज़ इसके अंदर घुस ना सके, ये सेफ है इसके लिए पानी। ये जो है ना, इस पे कुछ लिखा हुआ भी है, यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, उस साइन बोर्ड पे मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, पानी पिन्याचा आहे, मतलब ये मराठी में लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है ये पानी आप पी सकते हो। एक डब्बी रखा हुआ है, देख सकते हो ये सुगा सी, ये छोटी सी डब्बी रखी हुई है पानी यूज करने के लिए। इस डब्बी का यूज करके आप नहा भी सकते हो, पानी पी भी सकते हो, अपना चेहरा धोना है धो लो, फ्रेश हो जाओ, फिर आगे की अपना ब्लॉगिंग शुरू करो। और भाई मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पानी पीने वाला है, प्लीज़
इस वाटर टैंक्स के अगल बगल या फिर इसके अंदर कोई भी कचरे का बोतल, जैसे कि पानी पीने वाला बोतल हो गया, या फिर कुछ चिप्स वगैरह होते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो अपने घर से सामान लेकर आते हैं ताकि रास्ते में भूख लगे तो खा सके, तो और उसके बाद जो होता है कचरे वाली चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें, तो वो क्या करते हैं जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे ना समझ होते हैं कि इसमें ही फेंक देते हैं, वो ये समझते हैं कि मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं तो आऊँगा ही नहीं, तो मेरे को इससे क्या मतलब। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ हरकतें ना करें भाई, क्योंकि भाई ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे आप आ चुके हैं, आपके अलावा बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो वो भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि इस दुर्ग की इतनी हाइट है कि कोई भी आदमी ज़्यादा पानी का बॉटल ढो के नहीं ले आ सकता, अगर ऐसा करेगा तो उसको बहुत कठिनाई होगी चढ़ने में। दोस्तों आप देख सकते हो छत्रपति महाराज का फ्लैग, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि मैं टकमक दुर्ग के सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा है फाइनल पॉइंट, मैं वहाँ आ चुका हूँ, क्योंकि फाइनल पॉइंट पे ही छत्रपति महाराज का फ्लैग लगा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हो जिस पॉइंट पे मैं हूँ, मुझे लगता है यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, लेकिन जितने भी पहाड़ है उसमें सबसे ऊँचा पहाड़ ये टकमक दुर्ग वाला पहाड़ है, क्योंकि हाँ कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो इससे भी ऊंचा है, वो काफ़ी दूर है, जैसे कि वो सब जो दिख रहा है शायद से उसके पीछे वाला जो है वो सब हो सकता है इससे ऊंचा, लेकिन इसके आसपास में जो हम देख रहे हैं, जो भी पहाड़ देख रहे हैं, सब इससे मतलब हाइट में कम ही है। दोस्तों इस दुर्ग का जो हाइट है समुद्र तल से तकरीबन 3000 फीट है, आप देख सकते हो आसपास का जो व्यू है बहुत ही अच्छा व्यू है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या है ना कि अभी सन मेरे चेहरे पे आ रही है ना, तो इसके वजह से मैं बोल नहीं ठीक से पा रहा हूँ, क्योंकि बार बार सन आती है तो मतलब दिक्कत होती है बोलने में, तो आप ये मत समझना कि क्या हो रहा है, तो बाकी सब ठीक है। तो दोस्तों मैं अकेले ही आया हूँ, ये था मेरा सोलो ट्रेकिंग, एक पहाड़ के पीछे दूसरी पहाड़ के पीछे तीसरी पहाड़। दोस्तों यहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और मैं भी किसी पहाड़ के पीक पॉइंट पे हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको यहाँ से दिखेगा नीचे का, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा दोस्तों, मेरे साथ आप बने रहो। दोस्तों धूप इतना तेज है ना, इसलिए नीचे क्या हो रहा है क्या दिख रहा है प्रॉपर पता नहीं चल रहा है, सिर्फ आपको जंगल और पहाड़ी दिखेगा हर तरफ। ये जो घास है ये सब धूप में जल गया है, अगर आप मानसून के टाइम में आएंगे तो ये सब हरे भरे दिखेंगे, और इसके बावजूद दोस्तों आपको हर तरफ वाटरफॉल नजर आएंगे। ये जो घास दिख रहा है ये सब के सब जल गए हैं धूप में। एक्चुअली में दोस्तों ये जो जगह है ना कम्प्लीटली मानसून के टाइम में आने वाला ही जगह है, हम तो ऐसे आ गए, चलो अलग बात है, मैंने ट्रैकिंग करने का मन किया तो मैं आ गया, लेकिन ये प्रॉपर मानसून में आएंगे तो आपको ये जन्नत लगेगा जन्नत। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप जब भी इस तरह के जगह में जाएं तो प्लीज़ मानसून के टाइम में जाएं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब ओरिजिनल फॉर्मेशन जो है नेचर का, ओरिजिनल जो है ब्यूटी नेचर का वो आपको दिखेगा। अभी तो सब देख सकते हो आप पूरा जला हुआ सब लग रहा है, जो ऐसे लग रहा है कि लू लग गया है या फिर किसी ने आग लगा दिया है, ऐसे लग रहा है। आई होप हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग की समाप्ति अब यहीं पर होती है।